नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। वैकेंसी का अगर आपको इंतजार था तो आपके लिए खुशखबरी है। स्टेट है हिमाचल, दिल्ली, झारखंड के लिए वैकेंसी भरी जाएगी। 1700 से ज़्यादा पद होंगे और कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 1700 प्लस, और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो हम आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर जानकारी ला रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली की 174, हिमाचल की भरी जाएंगी 757, झारखंड की 804 और बाकी जो वो भरी जा चुकी है। अब जो मेन अप्लाई आप कैसे करेंगे उस पर हम आपको जानकारी दी, पहले आपको कुछ और बताना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको एक डेमो में पूरी जानकारी दे देंगे। तो आपकी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये 13/6/2019 के अप्लाई करने की डेट है। और इससे पहले कि अगर आपको ये जानकारी दे आपको ये जानकारी मिले कि आप अप्लाई करने लग पड़े, परंतु उस पर कुछ चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि आप इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं, 6 जून से, मीन्स कि आज से, आज ही नोटिफिकेशन आई कुछ टाइम पहले अभी, तो 5/7/2019 तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कॉलम है और अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13/6/2019 से 12/7/2019 तक आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास हो अगर आप तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिल्ली के लिए ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दिल्ली का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद झारखंड का है, तो झारखंड का भी सेम नंबर अलग से आपको दिया हुआ है, नोटिफिकेशन का लिंक ये है। हिमाचल के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नोटिफिकेशन का लिंक आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप क्लिक करेंगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 10वीं पास हो आप तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और बाकी ऐसा है नहीं कुछ कि एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए या जो भी आपको चाहिए, तो वो पूरी हम आपको जानकारी दे देते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जाना है इस कॉलम पर, आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन पर, आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका कॉलम खुल जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ग्रामीण डाक सेवक की है, वैकेंसी भरी जाएंगी और एप्लीकेंट नेम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप इसको नोट करिएगा। एप्लीकेंट नेम मीन्स कि आपका जो नाम है 10वीं के सर्टिफिकेट में वो आपको भरना है। उसके बाद अपना पिता का नाम भरिएगा यहाँ पर, मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा है अभी वो आप भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरिएगा, अपना जेंडर मेल है फीमेल है वो आप भरिएगा, और कम्युनिटी आपने सेलेक्ट करनी है, कम्युनिटी आप चेक करें अपनी स्क्रीन पर, जनरल अनरिजर्व और UN अनरिजर्व, ठीक है, जनरल जो सामान्य वर्ग से है, OBC है, SC है, ST है, तो कौन सी कैटेगरी से आपको सेलेक्ट करेगा, और EWS स्टार लगा इसके आगे तो आपको ये भी अब भरना पड़ेगा या सर नो करना पड़ेगा कि आपके पास वर्ण आरक्षण का सर्टिफिकेट है, तो फिर हाँ अगर है तो हाँ करेगा और नहीं है तो ना करेगा, या सो नो, ठीक है। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो फिर या सो नो कर दीजिएगा, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा इसके आगे, तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपको अपने 10th का आपको सर्कल सेलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको स्टेट करना पड़ेगा सेलेक्ट इसमें। तो सेलेक्ट स्टेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा दिल्ली, हिमाचल, झारखंड की वैकेंसी निकली है तो उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब आप कर देते हैं दिखाने के लिए दिल्ली कर देता हूँ, तो दिल्ली का हमने कर दिया, अब आपको देखना है अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो दिल्ली का कर दिया। और अब दिल्ली के बाद बोर्ड इन बिच 10th क्लास पास्ट वो आपको भरना है, तो सेंटर बोर्ड कौन से सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट से किया या फिर आपने कहाँ से किया, तो वो आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नेक्स्ट जो आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद जो अगला है वो आपको अपने सिग्नेचर जो है 20 KB के अंडर वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन, और 50 KB से 200 DPI ये लिखा हुआ है, तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, इतना आपको लग जाएगा पता। कैप्चा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, अगर आपको ये नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पर क्लियर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिफ्रेश का बटन है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, फिर रैंडम में बदलता रहता है ये, उसके बाद आप उसको भरेंगे और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट पर सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगी, परंतु उससे पहले आपको यहाँ पर ये आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर मार्क लगाना पड़ेगा, मार्क लगाने के बाद ही आपका सबमिट पे क्लिक हो गया, ठीक है। जैसे ये मार्क लगा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर आप सबमिट करोगे,
आपने जो फ़ोन नंबर भरा है उस पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अगर उस टाइम नहीं आता तो टाइम लग जाएगा इसके लिए, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और एक ही दिन भी हो सकता है, या उसी टाइम भी आपको मैसेज आ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से आप 5 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं। 13 से 7 दिन के बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं, परंतु अगर 5 जुलाई से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उसके बाद पुलिस की भर्ती की तरह फिर कुछ ऐसा ना हो कि आपको फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई के बाद नहीं होगी। तो जो लोग आराम से भरना चाहते हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बाकी आप 10 जुलाई को भी भरोगे तो आप अप्लाई इसके लिए कर पाओगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं करोगे और फिर हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज सबसे पहले आपको हम इस चैनल के जरिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी इसकी PDF नहीं आई है, परंतु हम आपको सूचना देने के लिए पहले ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें पूरी जानकारी के लिए कमेंट करें। एज का सवाल हुआ तो एज जहाँ तक उम्मीद है 45 तक इसकी एज होगी। बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, फ़ोन नंबर के आगे जो नोटिफिकेशन का लिंक है उसको आप ओपन करेगा, उसको आप डाउनलोड करेगा, पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ऑफिशियल वेबसाइट है पोस्टल इंडिया पोस्ट की। तो भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो अगर आप अप्लाई इसके लिए करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं और सबसे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर टाइम ख़राब हो जाता है आपका। और बहुत से लोग जिन्होंने पुलिस भर्ती के लिए भी अप्लाई किया था उसके लिए भी वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो और हरियाणा वाले जो है वो हरियाणा के लिए भी पुलिस की भर्ती आ रही है, 5000 वैकेंसी भरी जाएंगी। शाम तक आपको पूरी जानकारी आपको दे देंगे। और होमगार्ड के जो जवान अभी तैनात है उनके लिए भी कुछ खबरी है, तो पूरी जानकारी हम आज रात को आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नमस्कार।